नमस्कार, मैं हूं सुदीप राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज हमारे साथ हमारी सहयोगी काजोल नारायण हमारे साथ मौजूद हैं खेल का अड्डा में बात करने के लिए। जी हां, जिस तरीके से 2 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है और वो मैच बारिश के चलते धुल जाता है, एक बार फिर से दोनों टीमों ने अपनी कमर कस ली है और 10 सितंबर यानी कि कल रविवार को ये मैच खेला जाएगा। काजोल जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से 2 तारीख को मैच होता है और इंडिया की बॉलिंग देखा जाए कहीं ना कहीं वो कुछ अपने आप को लड़खड़ाते पाए थे, तो आपको लगता है कि प्लेन 11 में कुछ बदलाव करने चाहिए इंडिया को? बिल्कुल बदलाव करने की जरूरत है सुदीप, और बदलाव हो भी सकते हैं। रोहित शर्मा एक बहुत ही अच्छे कप्तान है, बहुत अच्छे ओपनर है, बहुत अच्छे बैट्समैन है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए टीम के लिए। और पाकिस्तान के साथ जब मुकाबला होता है ना, तो बात दिल से होती है, दिमाग से नहीं, तो इसीलिए मुकाबला बहुत ज्यादा जरूरी है जीतना, क्योंकि हम मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देने वाले हैं। प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव रोहित शर्मा कर सकते हैं, 2 खिलाड़ियों की एंट्री हो सकती है, हालांकि उनके नाम अभी तक सामने नहीं आ पाए, लेकिन सुदीप हमें देखना होगा। देखिए, 2 सितंबर को जो मैच हुआ, आपने अभी बताया कि बारिश की वजह से वो मैच ड्रॉ हो गया, ठीक है, वो एक कारण था, लेकिन उससे पहले जब हमने देखा कि भारत ने टॉस जीता और बल्लेबाजी की शुरुआत की, गेंदबाजी पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन बल्लेबाजी में वो जो बल्ले से हिट निकलने चाहिए था ना, वो हिट हमें दिखाई नहीं दिए। क्या लगता है सुदीप कि बदलाव के बाद हमें वो हिट, वो चौके छक्के रोहित शर्मा के दिखाई देंगे? बिल्कुल, देखिए काजोल, अगर साफ तौर से बात की जाए, जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा विराट कोहली का बल्ला बहुत बेधड़क चलता है, आपको याद होगा जिस तरीके से 2010 के एशिया कप मैच में विराट कोहली ने अपनी सबसे बेहतरीन पारी खेली थी, या आप ये कह सकते हैं कि अपने कैरियर की सर्वश्रेष्ठ पारी, 148 गेंदों में 183 रन बनाए थे उन्होंने 22 चौके और 1 छक्के की मदद से। और बात की जाए टीम में बदलाव की, तो हो सकता है कि इस मैच में जसप्रीत बुमराह, जो कि आपको पता है कि चोट के कारण उभरे, आयरलैंड गए, आयरलैंड में बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंस किया, फिर हमारे ऑलराउंडर उसमें वो भी आ सकते हैं, अक्षर पटेल। क्या सुदीप, हो सकता है कि बूम बूम बुमराह को ना लेने की वजह से कहीं जो हमारी टीम है उतनी मजबूत नहीं नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए उनकी जगह जिस तरीके से मोहम्मद शमी खिलाया गया, लोग मानते हैं मोहम्मद शमी की जो पेस है वो काफी अच्छी है और खिलाड़ी भी अच्छे हैं, और उन्होंने नेपाल के खिलाफ खेला भी, नेपाल के खिलाफ उन्होंने 7 ओवर में 29 रन देके एक महत्वपूर्ण विकेट भी हासिल किया। लेकिन जो बात की जाती है जिस तरीके से पाकिस्तान टिकड़ी, चाहे हरीश राव की बात कर लें, साइंस ऑफ रेदी की बात कर लें, या नसीम शाह की बात कर लें, जिस तरीके से बॉलिंग उनका जो दमखम रहता है वो लेके आते हैं और शुरुआती ओवरों में जिस तरीके से वो विकेट चटकाते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। अब हमारे पास बचा कौन? हमारे पास भुवनेश्वर कुमार बचे, भुवनेश्वर कुमार प्लेइंग 11 में नहीं है, वो एशिया कप टीम में भी नहीं है। अच्छा सुदीप, एक और चीज समझने की कोशिश करूंगी मैं आपसे, आप बहुत अच्छे से क्रिकेट को बारीकी से जानते हैं, आप बहुत सारे मैच भी देखते हैं, आपने 2 तारीख का भी मैच देखा था, मेरा सवाल ये है कि कमी कहाँ है, क्योंकि हमारे जो बॉलर्स हैं या फिर जो ऑलराउंडर है वो तो हमें परफेक्ट फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे बैट्समैन हैं उनके बल्ले से वो धुआंधार पारी हमें नजर नहीं आ रही है। नेपाल जैसे टीम भारत के सामने इतना बड़ा स्कोर रख देती है, हालांकि इंडिया ने बीट किया, लेकिन वो समझना होगा हमें कि हमारा प्रतिद्वंदी कोई भी हो सकता है, पाकिस्तान में तो बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। मैं ये नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान की टीम खराब है। काजोल, निश्चित तौर पर आपने कहा कि नेपाल को इंडिया ने बीट किया वो अलग बात है, लेकिन आप सोचिए कि आप तैयारी कर रहे हो वर्ल्ड कप की, अगले महीने वर्ल्ड कप अब शुरू हो जाएगा, फिर अगर आपके वो बॉलिंग अटैक में पेस नहीं रहेगा, वो दमखम नहीं रहेगा, आपके फील्डर लगातार कैच छोड़ रहे हैं, आप देखा होगा कि जिस तरीके से नेपाल के हुए मैच में विराट कोहली कैच छोड़ा, श्रेयस अय्यर ने कैच छोड़ा, ईशान किशन ने कैच छोड़ा, तो हम कहते हैं ना कि कैचेस बिन मैचेस, अगर हम कैच पकड़ते हैं तो हमको मैच जिताने के वो दमखम रखती है वो पारियां या वो फील्डर, तो हमको कहीं ना कहीं इन पहलुओं पर ध्यान देना होगा, अपनी फील्डिंग मजबूत करनी होगी, जो पेस अटैक है उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ओपनर तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर ही रहे हैं, हम बात करें जिस तरीके से ईशान किशन ने अपने पिछले मैच में बढ़िया 83 रन पारी खेली थी, मिडिल ऑर्डर में कहीं कहीं हम लड़खड़ा रहे हैं, रोहित शर्मा का बल्ला वो जिस तरीके से हम लोग कहते चलना चाहिए चलती चल नहीं रही है, धमक नहीं नजर आ रही है। बिल्कुल, तो जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि दर्शक जो है, हालांकि इंडिया तो क्रिकेट को लेकर बहुत ही एक्साइटेड रहती है, बहुत ज़्यादा बच्चे बच्चे यहाँ पर क्रिकेट को लेकर सुपर एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन ये जो ब्लॉकबस्टर मुकाबला है वो कोलंबो के आर प्रेमादास स्टेडियम में 10 सितंबर को खेला जाएगा, रविवार है। अगर दिल्ली की हम बात करें तो G20 की वैसे ही छुट्टियां पड़ी हुई है, तो आपके लिए तो मौका है, आप अपडेट से लेकर हाईलाइट से लेकर बहुत कुछ देख सकते हैं, तमाम तैयारियां कर सकते हैं। रोहित शर्मा भारतीय टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं, बाबर आजम के कंधों पर पाकिस्तान टीम की पूरी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन फिर वही सवाल है कि 2018 में हमने एशिया कप जीता और उसके बाद अब हम एक बार फिर से उसी फॉर्म में हैं, और हमारा मकसद है कि हमें एशिया कप पर कब्जा करना है,
तभी तो हम वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे अपनी टीम के साथ। बिल्कुल, देखिए 2018 के बाद से जो लगभग 5 साल का जो गैप पड़ गया, जो सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, आप साफ तौर से कह सकती हैं कि इंडिया ने कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती। आपको याद होगा जिस तरीके से 28 साल बाद 1983 के बाद 2011 में धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया चैंपियन बनी। उसके बाद बोल सकता है सुदीप उस बात को, वो तो प्राउड मोमेंट था हमारे लिए, बहुत बड़ा मोमेंट था हम लोगों के लिए। फिर देखिए जब पाकिस्तान से मैच होता ना तो उसको हम बोलते हैं चिर प्रतिद्वंदी। मैच तो सारे होते हैं लेकिन जो पाकिस्तान के साथ जो मैच होता है, जो ऑडियंस अपने आप को उसके साथ कनेक्ट करती है, हो हल्ला शोर शराबा होता है, वो चीजें हमको 10 तारीख को देखने को मिलेंगी। और जो ये सूखा पड़ा है 5 साल का, हम चाहेंगे ये सूखा ना पड़े। और काजुल देखिए इसमें एक अहम बात यह है कि 10 तारीख को जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच खेला जाना है इसमें एक रिजर्व डे रखा गया है। बिल्कुल, आप लोगों के लिए हम बता दें, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, अगर बारिश होती है तो ये मैच 11 तारीख को खेला जाएगा और जो आपने टिकट लिया है उसी टिकट पे आप इस मैच को देख सकते हैं। वाओ, ये तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं थी, मैंने भी कहीं ऐसी जानकारी नहीं, बड़ी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। यानी कि आप अगर टिकट लेते हैं कल के लिए और अगर कल किसी कारणवश इंद्रदेव खुश हो जाते हैं, बारिश कर देते हैं, तो आप मंडे को आराम से मैच देख सकते हैं और आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, ये कहीं ना कहीं दर्शकों के लिए भी बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात है। देखिए जिस तरीके से 17 तारीख को फाइनल खेला जाना है तो 17 तारीख को रिजर्व डे रखा गया था, लेकिन कल का जो मैच है ना, जो कहते हैं नहीं कि जिस तरीके से जब 2 तारीख को इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ, बारिश चलते हुए पूरा मैच धुल गया, बारिश चलते हुए मैच हो नहीं पाया, तो हो सकता कहीं ना कहीं इस पर डिसीजन लिया गया हो, जो आईसीसी की टीम है या जो बीसीसीआई टीम है उन्होंने फैसला लिया है। लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट एसोसिएशन, हर कोई चाहता है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो, कैसे भी करके हम चाहते हैं कि दोनों टीम जो है वापस में भिड़े, क्योंकि हमने एशिया कप में कभी भी नहीं देखा कि फाइनल में भारत और पाकिस्तान एक साथ टक्कर में आई हो। अगर ऐसा हो जाता है सुदीप, तो फिर क्या लगता है कैसे करके पूरी तैयारी होगी और कौन कौन होगा फॉर्म में पूरी तरीके से? देखिए अगर बात की जाए पाकिस्तान से मैच से, हमेशा हमने अभी पहले बताया आपको कि सबसे अच्छा जो रिकॉर्ड देखने को मिलता है वो है विराट कोहली का, द रन चेज रन मशीन विराट कोहली। फिर दूसरे नंबर पर आपके आते हैं रोहित शर्मा, रोहित शर्मा के बल्ले खूब चलते हैं, लंबे लंबे सिक्स लगते हैं, और आपको पता है कि जिस तरीके से विराट कोहली इस समय फॉर्म में भी हैं। अब इंडिया के ऊपर कहीं ना कहीं एक दबाव ये भी है कि अगर केएल राहुल पूरी तरीके से फिट हैं तो उनको बतौर विकेट कीपर के तौर पर देखा जा रहा है वर्ल्ड कप के लिए। तो ऐसे में देखने वाली बात है जो टीम मैनेजमेंट है या जो प्लेइंग 11 खिलाई जाएगी, इसमें या केएल राहुल की वापसी होगी। नाम सामने आ रहे हैं, वो दो बदलाव क्या होने जा रहे हैं इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। कल जब टीम 11 की पूरी तरह से तैयारी हो जाएगी, जब फील्ड पे वो उतरेंगे, तब हम देखेंगे कि क्या कुछ बदलाव नजर आया है। सुदीप, जिस तरीके से ईशान किशन ने अपनी दावेदारी पेश की, बढ़िया वो फॉर्म में आए, बढ़िया चौके छक्के मारते नजर आए, तो कहीं ना कहीं बात की जाए केएल राहुल को हो सकता है अभी लंबा इंतजार करना पड़े। तो काजुल चलिए फटाफट अपने दर्शकों को हम बताते हैं जो संभावित भारत का प्लेइंग 11 है, उसमें रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन विकेट कीपर के रूप में देखे जा सकते हैं, हार्दिक पांड्या उपकप्तान। जब हार्दिक पांड्या का हेलीकॉप्टर शॉट लगता है तो हर कोई झूम उठता है। रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, तो ये हमारी टीम संभावित हो सकती है। लेकिन कल का इंतजार करिए और एक्साइटमेंट जो है उसे खत्म मत होने दीजिए। सुदीप, क्या लगता है अब क्या हमें दर्शकों को अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि कल के लिए भी तो अपडेट देनी है? बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, कल भी एशिया कप के भारत पाकिस्तान मुकाबले में हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल खेल के अड्डे में आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। धन्यवाद।